हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। और आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज कारगिल विजय दिवस है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि साल 1999 में यानी 26 जुलाई 1999 को हमारी भारतीय सेना ने कारगिल की पहाड़ी पर फतेह तिरंगा फहराया था। कारगिल की लड़ाई में हमारे देश के कई वीर सैनिकों ने अपनी आदत और अपना बलिदान दिया देश के लिए, जिन्हें देश हमेशा युगों युगों के लिए याद रखेगा। ये कुछ तस्वीरें और नाम भी आप देख सकते हैं। कैप्टन अनुज नैयर, इन्होंने अपनी शहादत से पहले 9 पाकिस्तानी सैनिकों को हलक कर दुश्मनों के 3 बंकरों को जमीजोंद कर दिया था। एक और जांबाज ऑफिसर है राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट प्रवीण कुमार, हवलदार भीम बहादुर दीवान, इनके साथ ही कई और इनके वीर साथियों ने कारगिल की लड़ाई में अपना बलिदान देश के लिए दिया। और इसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के में हमारा देश सेलिब्रेट करता है। यही वो दिन है जब साल 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज पर जीत हासिल की थी। और ऐसे में हम सभी की तरफ से भी इंडियन आर्मी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, देश को 29 जुलाई को मिलेगा पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। पीएम मोदी इसको लॉन्च करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 29 जुलाई को देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का शुभारंभ करेंगे। गुजरात आएंगे वो और यहीं से इसका शुभारंभ करेंगे। अच्छा भाई, देखिए, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि भारत में नहीं आएगी मंदी, लेकिन एशिया के कई देशों में इसका जोखिम बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की। कल ही उन्होंने आदेश दिया था कि अब कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इसके लिए 4 जिलों में हेलीपैड भी तैयार किया गया है। अच्छा भाई दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा है कि जम्मू कश्मीर से 25वां जत्था रवाना हो चुका है अमरनाथ यात्रा के लिए। 30 जून से ये यात्रा शुरू हुई थी, अब तक 2.25 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चुनाव आयोग की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया, आधार कार्ड से लिंक होगा आपका वोटर आईडी कार्ड। महाराष्ट्र राज्य से इसकी शुरुआत होने जा रही है और अगले महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अगस्त से ही आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड लिंक करने का काम शुरू हो जाएगा। आप अपने मोबाइल पर SMS के जरिए भी आधार कार्ड और अपने वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल 3 स्टेप्स हैं, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के जरिए भी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटर्स पर रोक लगाने के लिए ये अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, अब विदेश में भी गूंजेगा हर हर महादेव का नारा। लंदन में विराजेंगे 25 किलो के काशी विश्वनाथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी की एक संस्था है जिसने ये पहल की है। विदेश में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर बनवाया जाएगा, लंदन में बाबा विश्वनाथ विराजेंगे। इस शिवलिंग को पवित्र नर्मदा नदी से काशी लाया गया है और इस शिवलिंग का वजन 25 किलोग्राम है। इसे लंदन में बने काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जो हमारे भारत वर्ष के लिए एक बड़े ही गौरव की बात होगी, राइट। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की देश भर में एक प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें विजेता छात्र को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। संभागीय स्तर पर डाक टिकट पर लिखित प्रश्नोत्तरी होगी। 2 सितंबर 2022 को ये टेस्ट एग्जाम होगा और इसमें जीतने वाले छात्रों को 6,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। छात्रों तक डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं और डिजिटलाइजेशन से अपडेट करवाने के लिए ये देश स्तरीय प्रतियोगिता शुरू करने जा रहा है इंडिया पोस्ट। इस योजना का नाम रखा है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये क्विज बेस्ड लिखित परीक्षा होगी जो संभागीय स्तर पर होगी और इसमें विजेता स्टूडेंट्स को 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए कुछ पात्रता की शर्तें भी हैं। एक छात्र को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल का कक्षा 6 से 9 तक का स्टूडेंट्स होना चाहिए। और भी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं और आप अपने स्कूल प्रशासन के जरिए भी इस योजना में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया पोस्ट के पोर्टल पर भी जानने को मिल जाएगी, है ना। और टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप में अब आपको एक और नया फीचर अपडेट मिलने जा रहा है। डिसअपीयरिंग मैसेज में व्हाट्सएप कैप्ट मैसेज का नया फीचर ला रही है, यानी कि अब गायब होने के बाद भी मैसेज को आप देख पाएंगे। जो डिसअपीयरिंग मैसेज होंगे ना, उनका भी आप बैकअप रख पाओगे। जैसे अभी वन टाइम इमेज मैसेज भेजते हैं अपन, एक ही बार वो इमेज ओपन होता शो होता, तो उस तरह के इमेजेस को भी कैप्ट कर पाओगे आप, रख पाओगे वापस, है ना। अच्छा साथ ही देखिए, अब आपको ऑस्ट्रेलिया में होने वाले सभी क्रिकेट मैच डिज्नी स्टार चैनल पर देखने को मिलेंगे। 7 साल के लिए एक समझौता हुआ है और पिछले महीने तो डिज्नी स्टार ने IPL के भी टीवी के राइट्स लिए थे, अब उसने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के मीडिया राइट्स भी खरीद लिए हैं। साल 2023-24 से डिज्नी का यह समझौता शुरू होगा और उसके बाद आगे के 7 सालों के क्रिकेट मैच के लाइव प्रसारण आपको डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। अच्छा वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देखिए, हीरो सुपर स्प्लेंडर के ब्लैक एडिशन का टीजर जारी हुआ। डिस्क और ड्रम 2 वेरिएंट में जल्द ही ये नई बाइक लॉन्च होगी हीरो की तरफ से। कुछ लुक्स इसके आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया और कहा कि व्यक्ति या पार्टी का विरोध देश का विरोध न बन जाए। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी विचारधारा के वरिष्ठ नेता चौधरी हरमोहन सिंह की 10वीं
सातवीं पुण्यतिथि के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश कानपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहीं पर उन्होंने ये बात कही कि किसी पर्सनल या व्यक्तिगत या किसी पार्टी का विरोध करने का मतलब ये नहीं हो कि देश का विरोध बन जाए। अच्छा साथ ही देखिए अग्निपथ स्कीम पर बड़ी खबर आ रही है। शक्ति के बीच भारतीय वायुसेना ने शुरू की अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा। 31 जुलाई को देश के 250 केंद्रों पर अग्निपथ योजना का पहला एग्जाम आयोजित होने जा रहा। ज्यादा जानकारी आप ज्वाइन इंडियन आर्मी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा है कि गूगल मीट में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। गूगल मीट के जरिए होने वाली मीटिंग को यूट्यूब पर आप लाइव स्ट्रीम भी कर पाएंगे, यानी कि गूगल मीट और यूट्यूब दोनों को एक दूसरे में मर्ज करने जा रही है कंपनी। और अब आप गूगल मीट पर होने वाली मीटिंग्स को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे कॉन्फ्रेंस के दौरान ही। अच्छा साथ ही देखिए अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मरीजों को मिलेगी मुफ्त डायलिसिस की सुविधा। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज से छुटकारा मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में किडनी के मरीजों के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि अब राज्य के सभी जिलों में जल्द ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके लिए उन्हें इलाज के लिए ना ही किसी दूसरे जिले में जाना पड़ेगा और ना ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस की सुविधा शुरू करने जा रही है। अभी तक ये 66 जिलों में सुविधा अवेलेबल है, लेकिन इसको सभी डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा। यूपी से एक और अपडेट आ रहा है कि विकास को मिलेगी कब और गति। सरकार को योजनाएं बनाने में मिलेगी सफलता। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यूपी में विकास को लेकर कुछ और प्लानिंग्स बनाई गई है। बुंदेलखंड के 7 जिलों में 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती की जाएगी। हर ब्लॉक में 50-50 हेक्टेयर के 10-10 क्लस्टर बनाए जाएंगे वगैरह वगैरह। डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। साथ ही उत्तर प्रदेश में अब नए समय से खुलेंगे स्कूल। गाजियाबाद नोएडा समेत यूपी के सभी सरकारी स्कूलों का टाइम बदलने जा रहा है। और अब नई टाइमिंग क्या होगी तो आप देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। गर्मी की वजह से पहले टाइम 7:30 से 12:30 तक रखा हुआ था, लेकिन अब इसमें टाइम को चेंज कर दिया। अच्छा साथ ही देखिए मध्य प्रदेश राज्य में किरायेदारी अधिनियम 2022 को सरकार लागू करने जा रही है। घर किराए पर लेने से पहले अब देना होगा 2 महीने का एडवांस। कलेक्टरों को भेजा गया ड्राफ्ट। एमपी राज्य में किराएदार और मकान मालिक के लिए सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में जल्द ही किराएदार अधिनियम 2022 लागू किया जाएगा और इसमें कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। मकान मालिक और किराएदार के बीच समझौता अब अधिकार बन जाएगा और ये पूरा कानूनी दायरे में होगा। साथ ही अगर आप कहीं रूम वगैरह कोई मकान किराए पर लेते हो तो आपको 2 महीने का रेंट पहले एडवांस में देना पड़ेगा। साथ ही मकान पर अब किराएदार किसी भी तरीके से झूठ जालसाजी वगैरह या धोखाधड़ी से कब्जा नहीं कर सकेगा। भू स्वामी को तंग करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ नए राइट्स दिए गए हैं किराएदार और मकान मालिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसमें। वह देखिए दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी चेतावनी कि मेरी दरिया दिली को कमजोरी न समझें। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सांसदों से कहा कि सदन में न दिखाएं पोस्टर। दरअसल कल ही लोकसभा में सरकार के खिलाफ महंगाई वगैरह को लेकर कांग्रेस के कुछ सांसदों ने हंगामा किया। उसके बाद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर को थोड़ा गुस्सा भी आ गया और उन्होंने कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद को तो पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये सदन में ही पोस्टर वगैरह लेकर आए थे। और साथ ही विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी कई बार कार्यवाही को रोका गया। राजस्थान सरकार की तरफ से नई प्लानिंग देखिए। 5 करोड़ पौधे बांटकर गहलोत सरकार करेगी ग्रीन राजस्थान। 10,000 ग्राम पंचायत 200 शहरों को 1-1 करोड़ और पब्लिक डिमांड पर 3 करोड़ पौधे मिलेंगे। टोटल 5 करोड़ पौधे बांटकर गहलोत सरकार ग्रीन राजस्थान बनाने जा रही है। इनमें से 3 करोड़ पौधे आम जनता को मांग के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्थान में हरियाली को बढ़ाने के लिए गहलोत सरकार का यह नया प्लान है। वह देखिए दोस्तों, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि मन करता है राजनीति छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि गांधी के समय पॉलिटिक्स विकास के लिए होती थी, लेकिन अब इसका मकसद सिर्फ सत्ता है। गडकरी ने मन की बात कही कि कुर्सी नहीं बल्कि नेताओं को समाज हित के लिए काम करना चाहिए। अच्छा गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। जहरीली शराब से 8 लोगों की जान चली गई। एक ही गांव के 18 लोग बीमार भी हो गए, 5 गंभीर हैं। सबने एक साथ शराब पी थी। हालिया कुछ महीनों में दोस्तों जहरीली शराब से जान जाने के मामले काफी ज्यादा सामने आने लगे हैं। और अगर आप भी शराब पीते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी लोकल या डुप्लीकेट शराब ना पिए, वरना अंजाम महंगा भुगतना पड़ सकता है। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। साउथ इंडियन बैंक ने एफडी सेविंग खाते की दरों में बदलाव किया है। 2 करोड़ से कम जमा पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। और ऐसे में साउथ इंडियन बैंक की अभी इंटरेस्ट रेट क्या है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, बिहार पटना में 27 जुलाई को आंदोलन करेंगे बीएसएससी के 5 अभ्यर्थी। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में सभी सीट भरने की इनकी मांग है। उत्तराखंड में वैज्ञानिकों की तरफ से भयंकर चेतावनी जारी की गई है, बड़ा भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिक बोले कि हिमालय में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसके चलते उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने की संभावना है, इसलिए उत्तराखंड राज्य के लोग बाग थोड़ा सावधान और अलर्ट रहें। अच्छा भाई देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। फ्री में 3 गैस सिलेंडर देगी सरकार। इसके लिए क्या है पात्रता और आप कैसे लाभ ले पाएंगे, तो दरअसल आपको बता दूं, उत्तराखंड राज्य के
लोगों के लिए सरकार ने बड़ी अच्छी घोषणा की है। राशन कार्ड वालों को अब साल में 3 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। इसके लिए कुछ नियम और पात्रता की शर्तें भी हैं। सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही वे लोग इसके लिए पात्र और लाभार्थी होंगे जिनका अंत्योदय राशन कार्ड बना हुआ है, और आप अपने अंत्योदय राशन कार्ड को गैस कनेक्शन, आपका जो गैस कनेक्शन कार्ड है उससे आपको जोड़ना होगा। और ऐसे में अगर आप भी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंत्योदय राशन कार्ड को अपने गैस कनेक्शन से जोड़ना होगा। ये काम इस महीने तक जुलाई में ही पूरा करना होगा। अगर आप इन दोनों को लिंक नहीं कराते हैं तो फिर आपको उत्तराखंड सरकार की मुफ्त गैस सिलेंडर योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आप अपने नजदीकी सहकारी समिति में जाकर के भी इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, अभी तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, पंजाब राज्य में आज से ही 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। देश भर में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश भोपाल में भदभदा डैम के सभी 11 गेट भी खोल दिए गए हैं। मेहसाणा और सौराष्ट्र वगैरह में भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अच्छा, इसी बीच स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 26 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण और पश्चिम राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और कुछ हिस्सों में जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और भारत के अलावा देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में भी बाढ़ का कहर बना हुआ है। अभी ऊपरी कोहिस्तान में अचानक आए सैलाब से 50 से भी ज्यादा घर बह गए, एक व्यक्ति के जान जाने की खबर है। चलिए मौसम के बाद अब सराफा बाजार का अपडेट देख लेते हैं। चांदी में गिरावट आई और सोना भी सस्ता हुआ है। सोने के भाव में तो मामूली गिरावट आई 5 रुपए प्रति 10 ग्राम की, और उसके बाद अभी सोना 51,145 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। लेकिन चांदी में बड़ी गिरावट आई है। चांदी में 1,331 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 54,351 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 16,866 नए मामले आए। 168 दिन बाद डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7% के पार पहुंच चुका है। तो 24 घंटों में 16,000 तो ये नए मामले आए, जबकि 41 लोगों की मौत हुई। और भारत में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 150,877 चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए, डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। बुजुर्गों और गंभीर बीमारों और बच्चों में कोरोना का खतरा ज्यादा देखा जा रहा है। और इसमें चौंकाने वाली बात ये दोस्तों कि मरने वाले लोगों में 50% लोगों ने कोरोना का टीका ही नहीं लगवाया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी अगर आपने वैक्सीनेशन कोरोना का नहीं करवाया तो दोनों ही डोज लगवा लें समय के अनुसार। उत्तराखंड में भी देखिए दोस्तों, कोरोना के एक्टिव केस 1,000 के पार हुए। आज भी एक संक्रमित की मौत हुई। और उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है, और जिला अधिकारियों को कोरोना को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना जरूरी किया जाए। वापस कोरोना के लक्षण वाले रोगियों को होम आइसोलेशन में रखा जाए, कोविड-19 टीकाकरण कवरेज को बढ़ाया जाए, वगैरह वगैरह। वहीं कोरोना के साथ साथ आपको बता होगा, मंकी पॉक्स को लेकर भी हमारे देश में 4 मामले सामने आ चुके हैं और खतरे की चेतावनियां भी जारी हैं। मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है कि विदेशों से आने वाले लोगों को, जो स्पेशली विदेशों से आकर अगर हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, तो उन लोगों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने के लिए बचाव व निवारक उपाय के बारे में भी बताया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मंकी पॉक्स से किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, तो ये जानकारी का वीडियो डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मंकी पॉक्स जो है दोस्तों, चेचक के खानदान की एक बीमारी है। आपको पता होगा, चेचक को चिकन पॉक्स कहा जाता है और मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स कहा जाता है। तो चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स मतलब काफी नाम में ही सिमिलर लगते हैं। तो सिर्फ नाम में नहीं बल्कि ये जो वायरस की प्रजाति है, दोनों एक ही प्रजाति के वायरस है। इसके लिए कोई अलग से खास टीका भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। फिलहाल स्मॉल पॉक्स की ही वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये पॉक्स वाले जितने भी वायरसेज हैं, ये एक ही फैमिली से आते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। आज की बड़ी ही मोटिवेशनल खबर देखिए आप। आंखों से नहीं देख पाती थी ये लड़की, सीबीएसई की 12वीं टॉपर बनी। दिव्यांग कैटेगरी में इसने कमाल कर दिखाया, 500 में से 496 नंबर हासिल किए। अब ये अमेरिका जाएगी पढ़ने के लिए। हना इसका नाम है, हना एलिस साइमन, उम्र 19 साल, आंखों की जन्मजात बीमारी माइक्रोफ्थाल्मिया से पीड़ित है। यानी जन्म लेने के बाद से ही हना को दोनों आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसके बावजूद इसकी पढ़ाई में लगनता और एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स लाना, वाकई में सैल्यूट यार। हम सबको भी अपनी जिंदगी में और दूसरे छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए हना से प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, वहीं भारतीय डाक विभाग भी जल्द ही 26,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां लाने वाला है। 10वीं पास उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चालू रखें, ग्रामीण डाक सेवक वगैरह की भर्ती आने वाली है जल्द ही। वहीं देखिए, झारखंड में आंसू लिपिक व स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब आप 9
अगस्त तक ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे और एक अलग परीक्षा के लिए 11 अगस्त तक भी भर पाएंगे, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए एप्पल कंपनी भी अब दूसरी मोबाइल फोन कंपनियों की तरह अपने स्मार्टफोन प्रोडक्ट्स वगैरह पर डिस्काउंट देगी। अभी एप्पल की तरफ से आईफोन 13 पर 29 जुलाई से 1 अगस्त के दौरान आपको 7000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। एप्पल की वेबसाइट पर ये ऑफर के बारे में जानकारी दी हुई है। वह देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नियम भी बदल दिए हैं। अब बिना ऑनलाइन परीक्षा के छात्र ले सकेंगे मुफ्त कोचिंग। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में स्क्रीन पर। अच्छा वही देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार किसानों की आय दुगुनी करने पर फोकस किए हैं और हरेली से ही गौमूत्र खरीदारी भी शुरुआत करने जा रही है। साथ ही नए कृषि उपकरणों की भी लॉन्चिंग करेगी सरकार। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से किसान भाई लोगों से गौमूत्र भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। हाल ही में इस योजना को शुरू किया था, आपको पता होगा। तो इस योजना के मतलब खरीदने की शुरुआत जो है ना हरेली के पावन अवसर से ही हो जाएगी। अच्छा वही देखिए दोस्तों, अब आपको अपना आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह और जाति प्रमाण पत्र ये बनाने के लिए जन सुविधा केंद्र जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का जो गवर्नमेंट का उमंग ऐप है उसके जरिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स बनकर आपके घर तक आ जाएंगे डायरेक्टली। 15 रुपए की फीस में आपको ये प्रमाण पत्र घर बैठे ही मिल जाएंगे, है ना। डिजिटल युग के दौरान सरकार ये नई सुविधा भी शुरू कर चुकी है। वही देखिए आज से ही 5G युग की शुरुआत होगी। इंटरनेट स्पीड की दुनिया में एक नई क्रांति आ जाएगी और अभी 4G की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा आपकी डाउनलोड स्पीड बढ़ जाएगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि आज 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो रही है, यानी आज से ही हमारे देश में 5G इंटरनेट की नई क्रांति भी शुरू होने जा रही है। अभी नीलामी की प्रक्रिया में टेलीकॉम सेक्टर की 3 बड़ी कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल है। इसके अलावा गौतम अडानी की कंपनी भी अपने कमर्शियल फायदे के लिए इस नीलामी में शामिल होने का ऐलान किए हैं। तो कुल मिलाकर के आज से ही यूं समझ सकते हैं कि एक नया मकान बनाने के लिए नीम खुदाई का काम शुरू होने जा रहा है, यानी कि 5G इंटरनेट के लिए आज से ही स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू होने जा रही है। अच्छा बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है। इन खातों में जमा राशि को DEA में ट्रांसफर करेगा RBI। चेक कर लें अगर आपका भी पैसा ऐसे खातों में ना पड़ा गई। दरअसल बात कुछ यूं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए कहा कि ऐसे बैंक अकाउंट जो कि 10 साल से ज्यादा समय से ऑपरेट नहीं किए गए, चाहे वो सेविंग अकाउंट, चाहे करंट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट, 10 साल से ज्यादा तक हो गया उनको ऑपरेट भी नहीं किया और किसी ने उन अकाउंट को लेकर कोई क्लेम भी नहीं किया, दावा भी नहीं किया, किसी ने उन अकाउंट पर अपना हक भी नहीं जमाया, तो जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट के तौर पर जो अकाउंट जमा है इन खातों में जमा पैसे को डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA के फंड में ट्रांसफर किया जाएगा जिसकी देखरेख RBI करेगा। यानी कि सीधे मतलब बोले तो दोस्तों अगर 10 साल तक आपने अपने खाते में कोई लेनदेन नहीं किया, आपके खाते से संबंधित आपने कोई इंक्वायरी नहीं की है, तो रिजर्व बैंक अब आपके खाते के बैंक खाते के पैसे को DEA के फंड में ट्रांसफर कर देगा। तो आपका भी अगर कोई लंबे समय से ऐसा कोई बैंक अकाउंट है तो उसमें जल्द कोई एक ट्रांजेक्शन कर ले, है ना। अच्छा साथ ही देखिए दिल्ली वालों के घर तक पहुंचेगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 अगस्त को दिल्ली सरकार एक नया EV फोरम लॉन्च करने जा रही है और दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए अब ये नई प्लानिंग बना रही है कि लोगों के घर घर तक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विदेशों में भी अब अपनी धाक जमाने जा रहा है। इसराइल में मेट्रो रेल चलाने के लिए DMRC मदद करेगा। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। अब आपका पंजाब आना जाना और भी ज्यादा आसान होगा क्योंकि 7 अगस्त से ही एक सुपरफास्ट वीकली एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। अमृतसर और गोरखपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत 7 अगस्त को हो जाएगी। वहीं देखिए SEBI ने आम लोगों को PACL की संपत्तियों में लेन देन को लेकर आगाह किया है। दरअसल भारतीय विनिमय बोर्ड जो है SEBI की एक समिति ने सोमवार को जनता को आगाह किया कि वे PACL समूह और उसकी सब्सिडरी कंपनियों की संपत्तियों के संबंध में किसी भी तरह का लेन देन नहीं करें। समिति ने कहा कि इन संपत्तियों की बिक्री के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया गया और आपके साथ ऐसे में धोखाधड़ी हो सकती है, सो प्लीज बी केयरफुल। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में बंगलुरु शहर भी शामिल हो चुका है। हालांकि आपको बता दूं दिल्ली इसमें सबसे ऊपर नहीं है। AQI की लिस्ट में पंजाब का रूपनगर 141 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद पटना, धारूहेड़ा, दिल्ली और चंद्रपुर का नंबर आता है। वह देखिए राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को फिर बड़ी सौगात दी है गहलोत सरकार ने। साल में 2 बार प्रमोशन के मौके मिलेंगे। गहलोत सरकार ने इस तरह के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। हरियाणा यमुनानगर में पेंशन धारकों के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया गया। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए CPI की पहल, अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा वही देखिए छत्तीसगढ़ की एक नन्ही बेटी का कमाल। 1.5 साल की अनाया ABCD और हिंदी वर्णमाला से लेकर महीनों के नाम भी बोल लेती है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। देखिए मतलब उम्र कितनी छोटी है और अभी भी इसका टैलेंट कितना गजब का है, अमेजिंग राइट। अच्छा पंजाब सरकार पंजाब राज्य में गैंगस्टर्स के खिलाफ एक नया एक्शन प्लान बना रही है। 8 पुलिस रेंज में तैनात होगी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। हाईटेक हथियार मिलेंगे, IG लीड करेंगे इनको। वहीं पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक पर सियासी घमासान भी देखा जा रहा है। कांग्रेस बोली कि 5 लीटर पेंट और 2 पेंटर से बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक। पहले से ही बनी हुई सरकारी इमारतों को मोहल्ला क्लिनिक में बदल रही है पंजाब सरकार। ये कांग्रेस ने
आरोप लगाए हैं। तो इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि अमेरिका भी ये मॉडल मांग रहा तो कांग्रेस ने ये कटाक्ष कसा है। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी से ममता ने किया किनारा। दीदी बोले कि गलती की है तो साथ नहीं देंगे, उम्र कैद भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में आपको बता होगा पश्चिम बंगाल के पार्थ चटर्जी जो 5 बार विधायक रह चुके हैं और अभी भी मंत्री पद पर हैं, इन्होंने एक सरकारी नौकरी की भर्ती में गड़बड़ घोटाला किया था जब ये शिक्षा मंत्री थे पश्चिम बंगाल के। तो इस सिलसिले में इनको अभी हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस पर ये पश्चिम बंगाल के सीएम का कहना है। साथ ही देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने कल ही शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने उनको शपथ दिलाई। वो बोले कि जोहार नमस्कार, जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके पास, 5 अप्रैल, 29 सितंबर, 29 अगस्त या 5 सितंबर को। ABCD कमेंट करके बताइए विच इज द राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।